अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ चिकन पैटी की रेसिपी और उस चिकन पैटी से मैं चिकन बर्गर बनाऊंगी। ये बहुत ही मज़ेदार सी चिकन पैटी बनेगी और जितनी मज़ेदार चिकन पैटी होगी उतना ही मज़ेदार हमारा बर्गर भी होगा। तो चलें चलते हैं फिर रेसिपी की तरफ। छोटे साइज़ की एक प्याज ली है मैंने और ये 6 जवे लहसुन के लिए। इसको मैं बिल्कुल बारीक पेस्ट बना लूँगी। ये देखिए, ये दाने वाला हिस्सा जो है इससे करूँगी, ये बिल्कुल पेस्ट की तरह निकलेगा इसमें से। ये देखिए, ये इतना बड़ा प्याज का टुकड़ा बच गया है, इसे हटा दूंगी मैं। और बस ये 1 चम्मच मैंने प्याज लिया है। अब लहसुन को भी कश कर लूँगी। 1 चम्मच मैंने प्याज का पेस्ट बना लिया है और 1 चम्मच मैंने लहसुन का पेस्ट बना लिया है। 1 किलो मैंने बोनलेस चिकन लिए, ये चेस्ट पीस है, आप थाई पीस भी ले सकते हैं। ये मैंने चेस्ट पीस लिया है और इसके मैंने छोटी बोटियाँ बना ली हैं। अब इसको मैं चॉपर में डालकर चॉप करूँगी। सारे गोश्त को मैं चॉपर मशीन में डाल दूंगी। इसे मैंने पीस लिया है, बिल्कुल बारीक नहीं पीसा है मैंने। ये देखें, इसके अंदर थोड़े थोड़े से चंक्स बाकी हैं। ये देखें, छोटे छोटे से चंक्स इसके अंदर मौजूद हैं। अगर आप इस तरह के चंक्स इसके अंदर छोड़ देंगे, और चंक्स छोड़ने से क्या होगा कि जो पैटी है हमारी वो बहुत ही मज़ेदार बनेगी। अब इसे मैं एक बाउल में शिफ्ट कर दूंगी। अगर आपके पास चॉपर मशीन नहीं है तो आप मुर्गी वाले से ही मोटी मशीन का कीमा निकलवा लें। ये मैंने फ्रेश ब्रेड का ब्रेड क्रम्स बनाया है, तो 1 कप मैं ब्रेड क्रम्स ले रही हूँ। मैंने बिल्कुल बारीक पेस्ट बनाया था लहसुन का, वो डाल रही हूँ, और प्याज का भी जो पेस्ट बनाया था वो डाल रही हूँ। मैंने प्याज और लहसुन फ्रेश डाला है। आप 2 चमची प्याज का पाउडर भी डाल सकते हैं और 2 चमची लहसुन का पाउडर भी डाल सकते हैं। 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। 1 टीस्पून व्हाइट मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ। अगर आपके पास व्हाइट मिर्च पाउडर नहीं है तो काली मिर्च जो है वो 1.5 चमची कर दिएगा। 1 चमची नमक डाल रही हूँ, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। 1 चमची पेपरिका पाउडर डाल रही हूँ। अगर आपके पास पेपरिका पाउडर नहीं है तो कश्मीरी लाल मिर्च डाल दिएगा। थोड़ा सा मिक्स करने के बाद मैं इसके अंदर चीज़ें और ऐड करूँगी। 1 चमची मिक्स हर्ब डाल रही हूँ, ये चिकन पाउडर है। 1 चमची में चिकन पाउडर डाल रही हूँ। चिकन पाउडर की जगह पर आप चाइनीज सॉल्ट भी डाल सकते हैं। 1 टेबल स्पून मैंने मैदा लिया है, ऑल पर्पज़ फ्लोर। 1 टेबल स्पून मैंने बटर लिया है। बटर की जगह पर आप आयल भी ले सकते हैं या देसी घी भी ले सकते हैं। अब इन सबको बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। जिस तरह के आटा गूंथते हैं उस तरह से इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो अच्छी तरह से मिक्स करना है, जिस तरह के आटा गूंथते हैं ना, बिल्कुल इस तरह से इसको मिक्स करना है कि ये अच्छी तरह से बिल्कुल मिक्स हो जाए। इसे मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। ये देखिए, इसके अंदर बिल्कुल लस पैदा हो गया या चिपक पैदा हो गई है। बस अब इसकी बर्गर पैटी बना लेंगे। बर्गर पैटी बनाने के लिए मैंने ये एक बॉटल का ढक्कन लिया है। ढक्कन के ऊपर मैंने ये पॉलीथीन बैग रखा है, चिकन का बैटर जो है बर्गर पैटी वाला, वो इसके अंदर डाल दूँगी। इसको अच्छी तरह से प्रेस करेंगे ताकि ये अच्छी तरह से बाइंड हो जाए। ये बन गया, ये इसे निकाल लूँगी। ये देखें हमारा, ये देखें हमारी पैटी बिल्कुल आसानी के साथ तैयार हो गई है। और इस तरह करने से ये होगा कि सारी एक ही साइज़ की बनेगी। इतने बैटर से 11 पेटियाँ बन गई हैं और इसे आप चाहें तो इसे इसी तरह फ्रीज करके भी रख सकते हैं। मैं थोड़े से बर्गर बनाऊंगी और बाकी को मैं फ्रीज कर दूंगी। इस तरह से एक दफ़ा ज़रूर पैटी बनाइएगा तो आपको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। और इसे बनाना भी बहुत आसान है और ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है इसे बनाना। अगर आप बाज़ार से कीमा बना बनाया लेते हैं तो आपको और ज़्यादा आसानी हो जाएगी। सिर्फ मिक्सिंग करनी है और इसके अंदर मसाले भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है और बहुत ही आसानी के साथ ये बन जाएगी। और बाज़ार से तो लाख गुना बेहतर है, क्योंकि बाज़ार वाली जो बर्गर पैटी होती है उसके अंदर सिर्फ ब्रेड क्रम्स भरे हुए होते हैं और उसके अंदर प्रिजर्वेटिव भी डाला हुआ होता है, जो हमारी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। तो कोशिश करें कि आप अपने खाने जो है वो घर में ही बनाएं, क्योंकि घर के खाने आप मसाले बिल्कुल साफ़ सुथरे होते हैं, ना प्रिजर्वेटिव होते हैं और ना कोई और चीज़ें होती हैं। आप इसके अंदर ऑयल या देसी घी जो भी आप यूज़ करेंगे वो सब अच्छी क्वालिटी का होता है। तो बच्चों की सेहत के लिए और अपनी सेहत के लिए आप घर में ही खाने बनाएं। तो चले अब चलते हैं बर्गर बना लेते हैं। बर्गर के लिए सॉस बनाऊंगी। ये मैंने मायनीज लिया है,
जितने भी सॉस बनानी है आप अपनी मर्जी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये मैंने तकरीबन 3 टेबलस्पून मायनीज लिए, 1/4 चम्मच मस्टर्ड पाउडर लिया है। मस्टर्ड पाउडर की जगह पे आप मस्टर्ड पेस्ट भी ले सकते हैं। थोड़ा सा चिली गार्लिक सॉस डाल ली हूँ 1 टीस्पून, इसको मिक्स कर देंगे। मैंने चिली गार्लिक सॉस डाला है, आप टोमेटो केचप भी डाल सकते हैं। ये सॉस रेडी हो चुकी है। बन के अंदर बटर लगाऊंगी, ये बटर थोड़ा सा जमा हुआ है, फ्रिज से अभी अभी निकाला है तो थोड़ा मुश्किल हो रही है लगाने में। बन के ऊपर मैंने बटर लगा लिया है, अब इसे मैं सेक लूँगी। बटर वाला साइड नीचे रखूँगी। एक साइड से सिक चुका है, इसे पलट देंगे। दोनों साइड से हो चुका है, इसे निकाल लूँगी। बन सिक गए हैं, अब इसके ऊपर मैं सॉस लगा लूँगी जो सॉस मैंने बनाया था। ये मैंने कैबेज के बड़े बड़े पीसेज रखे हैं, आप चाहें तो कैबेज को छोटे छोटे काट के भी रख सकते हैं। पैन में मैंने थोड़ा सा तेल लिया है, आप देसी घी भी ले सकते हैं या बटर भी ले सकते हैं। चिकन पैटी डाल रही हूँ, पैटी को लो फ्लेम पे फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा देर तक अगर पैटी को पकाएंगे तो पैटी जो है वो ड्राई हो जाएगी, चूसी नहीं रहेगी, इसलिए बहुत ज़्यादा देर इसे नहीं पकाना है। और चिकन तो हमारी वैसे ही बहुत जल्दी गल जाती है तो इसलिए बहुत ही जल्दी ये फ्राई हो जाएगी। ये देखें दोनों साइड से गोल्डन हो चुकी है और ये बहुत ही जूसी हो रही है इस टाइम पर। अब इसके ऊपर मैं चीज़ रख दूँगी। अब मैं चूल्हे की फ्लेम को ऑफ कर दूँगी और पैटी को बन पर रखूँगी। चिकन पैटी को मैंने बन के ऊपर रख दिया है। तो कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी, मुझे कमेंट्स में फीडबैक दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।